हेल्थ कार्ड लोगों के लिए बड़ी नेमत और मुल्क की जरूरत है। वफाकी हुकूमत हेल्थ कार्ड की फंडिंग नहीं कर रही, ये बड़ा जुल्म होगा। इमरान खान के लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल मियांवाले की तख्तीकी नकाब को शाय कर दे। कहा जचके के दौरान खवातीन की अमवात की शरह बहुत ज्यादा है, अपनी हुकूमत ने सबसे ज्यादा खुशी हेल्थ कार्ड की थी। अब तक 29 लाख लोग फायदा उठा चुके हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पर 3 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। पूरी कोशिश है कि हेल्थ कार्ड से पूरा पंजाब कवर करें। मैं समझता हूं कि ये एक घराने के लिए सबसे बड़ी नेमत है। मुझे अफसोस ये है कि जब से हमारी हुकूमत गई है तो ये पीछे हट गया, ये इनिशिएटिव, इससे हेल्थ कार्ड के ऊपर वो फेडरल गवर्नमेंट की वो नज़र नहीं है और हमें मसले मसाइल आने शुरू हो गए हैं उसके, क्योंकि वो जो फंडिंग है वो जो फेडरल गवर्नमेंट जो अब हम थे वो नहीं कर रहे। और मैं समझता हूँ कि ये वो सबसे बड़ा जुल्म करेंगे कि एक ऐसा इनिशिएटिव पाकिस्तान में जो ये नहीं सिर्फ कि गरीब घराने के पास, हर घर के पास, एक खानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, इससे बड़ी बात यह है कि इससे प्राइवेट सेक्टर देहातों के अंदर जाना शुरू हो गया। फेडरल गवर्नमेंट को अब बालातर हो जाना चाहिए इससे, क्योंकि तरीके इंसाफ ने शुरू किया तो इसको आगे ना बढ़ाया जाए। ये मुल्क की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर जो डिलीवरी पे ख्वातीन की मौत होती है, मरती हैं जो ख्वातीन, वो दुनिया में तकरीबन हम सबसे ज्यादा है। तो ये और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे पास बड़े शहरों के बाहर फैसिलिटीज ही नहीं है, मदर एंड चाइल्ड ये हॉस्पिटल जिस तरह ये बना। तो मैं समझता हूँ कि ये एक जो हेल्थ कार्ड है पाकिस्तान का वो इनिशिएटिव है जो इंटरनेशनली एक्नॉलेज हुआ है। अपनी हुकूमत ही जब हमारे जो 3.5 साल थे उसमें मुझे जो सबसे ज्यादा खुशी होती थी वो हेल्थ कार्ड। 29 लाख लोग इससे फायदा उठा चुके हैं। अब तक 30 अरब रुपया खर्च हो चुका है हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, यानी लोगों के इलाज के ऊपर। और इंशाल्लाह ये मुझे जो पंजाब के अंदर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर पूरी तरह हेल्थ कार्ड सारा पंजाब कवर करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हम कदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन। दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।